हाय फ्रेंड्स, मैं हूं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन के चैप्टर 5 के कुछ टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस मैंने कुछ टॉपिक के बारे में बात किया था, आज का जो टॉपिक होने वाला है फॉल्ट निवारण विधि क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे। ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारे टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से डिस्कशन करने वाले हैं, तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना है तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए बात करें, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन जो हमारा टॉपिक होने वाला है फॉल्ट निदान उपकरण या फिर उसकी विधि। मीन्स यहाँ पे कि जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था कि सीएनसी मशीन में विभिन्न प्रकार की किसी न किसी प्रकार की त्रुटि होती है, मतलब उसको किसी न किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो वो समस्याएं निम्नलिखित प्रकार से मैंने बताया था, मैकेनिकल हो गया या फिर इलेक्ट्रिकल हो गया या फिर इलेक्ट्रॉनिक हो गया या फिर प्रोग्राम के संबंधित हो गया, तो आप लोग को मैंने बताया था। तो उन क्रियाओं को, मीन्स कहने का मतलब है उन त्रुटियों को, उन कमियों को सुधारने के लिए एक फॉल्ट निवारण क्रिया विधि का प्रतिपादित किया गया, मतलब बनाया गया, जिससे अंतर्गत हम क्या करते हैं उन जो भी समस्याएं होती हैं उनको कम से कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित उस सीएनसी मशीन को या फिर उस मशीनों को बनाया जा सके, वो फॉल्ट निवारण विधि के अंतर्गत आता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे आप लोग को डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है फॉल्ट निदान उपकरण या विधि का, तो आजकल सीएनसी मशीन में विभिन्न प्रकार की विफलताएं या खराबी आ रही हैं। सीएनसी मशीनों के ऑपरेटर की यह क्षमता होनी चाहिए कि वह फॉल्ट को सही निर्धारण करे और उचित निवारण विधि द्वारा ज्ञात कर सके, जिससे कम से कम समय में विफलताओं को ओके यानी ठीक किया जा सके। मीन्स यहाँ पे बात किया जाए कि सीएनसी मशीन में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो उसका जो ऑपरेटर अगर किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो उन समस्याओं को जल्द से जल्द निवारण कर सके यानी जल्दी से जल्द उसको बनाया जा सके, वो हमारा किसके अंतर्गत आता है फॉल्ट निदान विधि के अंतर्गत आता है। और उपकरण यानी टूल हमारा जिसके अंतर्गत उस मशीनों को बनाया जाता है वो हमारा फॉल्ट निदान उपकरण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, ये निम्नलिखित प्रकार से होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, पहला हमारा टॉपिक आता है कि स्वतः ज्ञान युक्त निवारण विधि। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि स्वयं ही उसे बिना चेक किए वगैरह ही उसको निवारण कर सके, मतलब उसको बनाया जा सके। तो स्वतः निवारण ज्ञान युक्त निवारण विधि किसके अंतर्गत आता है, चलिए हम देखते हैं इसको डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि यह एक सेंसर फॉल्ट निवारण विधि है जिन्हें निम्नलिखित विधियों पर निवारण किया जाता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि जो हमारा स्वतः ज्ञान युक्त निवारण विधि होती है वो एक सेंसर के माध्यम से उसे निवारण करते हैं, मतलब ठीक करते हैं। वो निम्नलिखित टॉपिक है, वो कौन कौन सा होता है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से, दृश्य निवारण विधि यानी सीएनसी मशीन को देखकर ही हम उसको जो भी समस्याएं हैं उनको निवारण कर सकें। नेक्स्ट बात किया जाए सुनने के कारण निवारण विधि, मतलब सीएनसी मशीन में किसी प्रकार की आवाज़ें आ रही हैं तब भी उसको सही देख कर सुन कर भी हम उस सीएनसी मशीन को बना सकें। नेक्स्ट बात किया जाए सूंघने के आधार पर, कोई भी पार्ट हमारा जल रहा है या फिर खराब होने रहा है तो उसको सूंघ कर भी हम सीएनसी मशीन को बनाया जा सके। नेक्स्ट बात किया जाए छूने के आधार पर, किस प्रकार से उसका हीट है, किस प्रकार से उसमें उष्मा उत्पन्न हो रही है, इनके आधारित पर भी हम सीएनसी मशीन को बना सकें, तो वो ऐसा हमारा पहला वो आता है किसके अंतर्गत, तो स्वतः ज्ञान युक्त निवारण विधि यानी अगर हम मशीन में बिना टूल की सहायता से या फिर किसी कंप्यूटर की सहायता से उस सीएनसी मशीन को बना रहे हैं तो हमारा किसके अंतर्गत आता है, तो स्वतः ज्ञान युक्त निवारण विधि के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए स्वतः निवारण क्रियाविधि यानी स्वतः निवारण क्रियाविधि क्या होता है इसके बारे में देखेंगे, तो इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि इसमें सीएनसी मशीन
की अपनी फॉल्ट को इंगित करता है और यह निकाय स्वतः के रूप में सीएनसी मशीन के सभी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का निवारण करता है और तथा इसके कार्यकारी दशाओं को मॉनिटर करता है और यदि किसी अंग में खराबी होती है या फिर अंग असफल होता है तो एक कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है तथा अलार्म सिग्नल प्रदान करता है या सूचना असफल रेंज की को दिखाता है या निकाय यांत्रिक उपकरण में विफलता को भी प्रदर्शित करता है। यानी स्वतः निवारण की विधि किसके अंतर्गत आता है तो ये भी सेंसर के माध्यम से भी हम इसको जानते हैं। साथ में कहने का मतलब हुआ एक डिस्प्ले के माध्यम से भी हम इसे पहचानते हैं। कहने का मतलब हुआ सीएनसी मशीन में अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि आई, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक या फिर कंप्यूटर या फिर कहने का मतलब हुआ प्रोग्राम से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर कोई भी असफलताएं निकलती है या फिर होती है तो उसको एक सिग्नल के द्वारा यानी जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पार्ट लगे होते हैं वो क्या करता है, एक कंप्यूटर के माध्यम से डिस्प्ले करता है कि इस जगहों पर ऐसी त्रुटि आई है, इसको जल्द से जल्द निवारण किया जा सके। और साथ में एक अलार्म के जरिए भी हम उसको निर्देशित करते हैं। किसके अंतर्गत? तो स्वतः निवारण क्रियाविधि। यानी ऐसा कोई टॉपिक, ऐसा कोई चीज को देखने मिले सीएनसी मशीन में तो हमारा किसके अंतर्गत आता है? स्वतः निवारण क्रियाविधि के अंतर्गत आता है। चलिए बात करें ये निम्नलिखित टाइप्स के होते हैं, कौन कौन सा होता है तो आप जैसे कि देख पा रही हैं स्टार्ट सेल्फ डायगोनिक्स, और नेक्स्ट बात किया जाए रन सेल्फ डायगोनिक्स, और नेक्स्ट बात किया जाए ऑकलाइन कफॉल्ट डायगोनिक्स, यानी तीन प्रकार के पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए प्रोग्राम टेस्टिंग टूल क्या होता है, इसको देखेंगे, इसको डिफिनेशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनेशन हमारा क्या कहता है कि इस विधि में सीएनसी मशीन के प्रोग्राम को टेस्ट किया जाता है और टेस्ट प्रोग्राम को सीएनसी मशीन में एक फीड किया जाता है और रन कराया जाता है जिससे प्रोग्राम की यथार्थता या विश्वसनीयता को जांच होती है। आधुनिक सीएनसी मशीन में सभी प्रोग्राम कंप्यूटर पर डिस्प्ले होते हैं। मीन्स बात किया जाए कि प्रोग्राम टेस्टिंग टूल क्या होता है, यहाँ पे बात किया जाए कि जब हमें किसी मशीन को चलाना होता है तो उस मशीन को किस प्रोसेस के माध्यम से चलाया जाता है, एक प्रोग्राम के जरिए चलाया जाता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कोई ऑटोमेटिक हो गया या फिर कहने का मतलब एक सेंसर के माध्यम से या फिर जैसे कि आप लोग को ऑटोमोबाइल के जरिए चल रहा है पार्ट, किसके जरिए ऑटोमोबाइल, यानी कहने का मतलब हुआ एक पीएलसी के माध्यम से या फिर ऑटोमोबाइल को ही देखा जाए तो ऑटोमोबाइल का प्रोसेस किया एक प्रोग्राम के जरिए बनाया गया है, तब उस ऑटोमोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होने के बाद तब उसे चलाया जाता है। तो वो सब सारे पार्टों को कौन कंट्रोल करता है, एक पीएलसी कंट्रोल करता है। तो उसी को बात किया जाए कि जब हम किसी मशीन को बनाने से पहले एक प्रोग्राम का बनाते हैं तो उस प्रोग्राम को भी टेस्ट किया जाता है कि जिस प्रकार से हमें जैसा प्रोसेस चाहिए वो हमारा प्रोसेस इस प्रोग्राम में अवेलेबल है या फिर नहीं है। तो कहने का मतलब हुआ कि जब हम उसे टेस्ट करते हैं यानी कहने का मतलब है चेक करते हैं तो उन्हें एक फीड दिया जाता है। क्या दिया जाता है? फीड दिया जाता है और साथ में कंप्यूटर पर रन कराया जाता है। रन कराने के बाद हमें जिस प्रकार से जैसी त्रुटि होती है, किसी भी प्रकार की समस्याएं होती हैं या फिर असफलताएं होती हैं, एक डिस्प्ले के माध्यम से भी हम उसको निवारण करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए विद्युत प्रचालन सामान्यता टूल क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो इसको डिफिनेशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनेशन हमारा क्या कहता है कि जब कभी फॉल्ट आता है तो विद्युत प्रचालक आंकड़े जैसे वोल्टेज में अनियमितता या एक विशेष कारण होता है। लगभग 20% फॉल्ट सीएनसी मशीन में वोल्टेज को अनियमितता के कारण होता है और वोल्टेज को सामान्यता स्तर पर से तुलना किया जाता है तथा कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाता है। मीन्स बात किया जाए कि जो विद्युत प्रचालन सामान्यता टूल होते हैं वो क्या होता है कि सीएनसी मशीन में किसी प्रकार की इलेक्ट्रिक से संबंधित कोई भी त्रुटि आती है तो उसको क्या किया जाता है, एक बार चेक किया जाता है। यानी 20% तक क्या होता है इलेक्ट्रिक का ही प्रॉब्लम आता है, क्या वोल्टेज का, तो धीमा हो गया तेज़ हो गया वोल्टेज, धीमा हो गया तेज़ हो गया, तो इनके कारण भी क्या होते हैं जो भी उसके वायर वगैरह होते हैं वो फॉल्ट हो जाते हैं। अब उसको चेक करने के लिए एक डिस्प्ले का यूज़ किया जाता है यानी एक मशीनों के माध्यम से उसे चेक किया जाता है और जिस जगह पे हमारा फॉल्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, जल्द से जल्द निवारण करते हैं। आई होप कि आप लोग को यहाँ पे
ये टॉपिक काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सीएनसी मशीन में किसी भी प्रकार की समस्याएं आती हैं तो उसको किस प्रकार से निवारण करते हैं और साथ में कितने प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इसके बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो आप लोग को ये सारा टॉपिक लिखना है, ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के बेस पे। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, पीएलसी निवारण टूल क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो इसको डिफिनेशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनेशन हमारा क्या कहता है, या एक प्रोग्रामेबल कंट्रोल में बना होता है जो विद्युतीय अंगों को फॉल्ट को चिन्हित करता है और उसके निवारण को सबसे उपयुक्त विधि से क्रियान्वित करता है। मीन्स बात किया जाए कि सीएनसी मशीन में अगर इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम कोई असफलताएँ आती हैं तो उनको चेक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो पीएलसी निवारण टूल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, सैद्धांतिक विश्लेषण टूल क्या होता है, इसको देखेंगे डिफिनेशन के माध्यम से। तो डिफिनेशन हमारा क्या कहता है कि सीएनसी मशीनों के यांत्रिक उपकरणों के साथ साथ सेंसर लगा होता है और जो यांत्रिक उपकरणों को क्रियाविधि का निरीक्षण करता है और यांत्रिक उपकरणों में सर्किट या लूप का प्रयोग किया जाता है। यह विधि प्रत्येक लूप या सर्किट के लिए अलग अलग तरीके में प्रयोग किए जाते हैं। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि सीएनसी मशीन में जो भी जैसे पार्ट लगे होते हैं उनको रोकने के लिए, यानी कहने का मतलब हुआ कोई श्रमिक कार्य कर रहा है, अचानक उसका हाथ चला गया या फिर किसी भी प्रकार की समस्याएं आ गई तो श्रमिक को दुर्घटना भी हो सकता है, तो उन सारे चीज़ों को रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सैद्धांतिक विश्लेषण टूल का यानी सेंसर का यूज़ किया जाता है, जिसके माध्यम से अगर श्रमिक का भी हाथ वगैरह या फिर कुछ भी पार्ट चला जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, वो पार्ट सीएनसी का पार्ट अपने आप उठ जाता है और साथ में वो पूरा प्रोसेस बंद हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, सीएनसी मशीन की प्रमुख विशेषताएं विफलताएं कौन कौन सी होती हैं, यानी सीएनसी मशीन में कौन कौन सी कमियां आती हैं, किनके कारण आती हैं, चलिए हम इनके बारे में देखेंगे। तो सीएनसी मशीन में निम्नलिखित कारण आ सकते हैं, तो पहला हमारा आता है अक्षपरता गति में विफलता के कारण, और नेक्स्ट बात किया जाए भरण शाफ्ट अक्ष के कारण यांत्रिक में, और नेक्स्ट मशीन ओवरलोड के अंतर्गत, कंपन के कारण भी आता है, और स्नेहन तेल निम्न दाब के अंतर्गत आता है, निम्न दाब परिष्करण के अंतर्गत आता है, टूल अतितप्त के अंतर्गत आता है और ड्राइव विफलता के अंतर्गत आता है। यानी सीएनसी मशीन में इतनी प्रकार की समस्याएं पाई जाती हैं, इनके कारण विफल समस्याएं उत्पन्न होती हैं। किसके कारण, तो अक्षपरता जिस प्रकार से उसका रोटेशन है, किस प्रकार से उसकी गति है, इनके धीमी हो गया तेज हो गया, इनके अंतर्गत भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। नेक्स्ट बात किया जाए जो भी पार्ट होते हैं इनके कारण, नेक्स्ट बात किया जाए मशीन ओवरलोड, ज़्यादा लोड दे गया तब भी अंतर्गत, कंपन उत्पन्न हुआ तब भी, स्नेहन कम हुआ तब भी आता है, निम्न पार्ट परिष्करण जो भी पार्ट लगे होते हैं टूटने की वजह से भी आता है, नेक्स्ट बात किया जाए टूल को ज़्यादा गर्म होने की वजह से, नेक्स्ट बात किया जाए ड्राइव विफलता, यानी इतने प्रकार की विफलताएं पाई जाती है। आई होप गैस यहाँ पे आप लोग को सीएनसी मशीन में जो भी टॉपिक बताए गए, आई होप कि आप लोग को सारा टॉपिक समझ में आया होगा। तो बस गैस आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।